हेलो विवान, आज हमारे साथ हरतार जी हैं। हरतार जी की कुछ अच्छाइयां मैं आपको बताऊंगा कि इनकी क्या क्या अच्छाइयां थी। पर इनसे हम ये पूछेंगे कि इन्होंने एग्जाम क्रैक किया, प्लस इन्होंने एक साल ड्रॉप किया, क्यों किया। इनकी एडमिशन लास्ट ईयर रीजनल सेंटर में भी हो रहा था एडमिशन, पर इन्होंने एक साल ड्रॉप करके फिर से पेपर दिया, क्यों दिया। और सबसे बड़ी बात, इनका जो एग्जाम हुआ था, जो इनका एग्जाम था, एंट्रेंस एग्जाम था, इसमें इनका रैंक 15 आया था, 1550। और इनके बोर्ड में थे, तो इन्होंने कैसे कॉपअप किया वो सब चीजें, कैसे पढ़ा, कैसे इन्होंने एग्जाम को क्रैक किया। तो हरदा जी, थैंक यू सबसे पहले कि आप इधर आए हमारे पास। तो हरदा जी, बच्चे आपसे काफी क्वेश्चंस पुट करना चाहते हैं मेरे ख्याल से, कि उनकी इंक्वायरी, इनके डाउट्स काफी ज्यादा होंगे। तो प्लीज हमें सबसे पहले बताएं कि आपकी जर्नी क्या रही। सबसे पहले आप बताएं कि आप लॉ क्यों करना चाहते हो, तो दो चार क्वेश्चंस के पहले ही आंसर। लॉ मैं एक्चुअली इसलिए करना चाहता था, जैसे मैंने 10th की उसके बाद मैंने पढ़ा ना, कई काफी वकीलों के बारे में पढ़ा, नाना पारखी वाले, मेरे को इंस्पिरेशन मिली कि मैंने ना किसी कॉज के लिए काम करना है, जस्टिस के लिए काम करना है, इन चीजों के, इन चीज के अंदर रह के मैंने अपना ना लोगों को सर्व करना है। मतलब सोशल सर्विसेज भी आपको देनी है ना, हाँ जी सर, मतलब ये चीज आपको आपके फादर से आई मेरे ख्याल से। हाँ जी सर, मेरे फादर भी एक एनजीओ चलाते हैं, तो उनका भी काफी इसमें था कि है ना कि मेरा बेटा इसके कोई अच्छे सोसाइटी काम के में लिए, सोसाइटी के काम के लिए करे। क्या बात है हरदार जी, सबसे पहले तो काफी अच्छी सोच है आपकी। उसके बाद हरदार जी, आपकी लास्ट ईयर होशियारपुर एडमिशन हो रही थी, तो मतलब होशियारपुर में एडमिशन छोड़ के आपने एक साल ड्रॉप किया, फिर इधर आए, तो क्या कुछ रीजंस थे। मतलब बच्चों को ना ये डाउट रहता है कि हम पीयू चंडीगढ़ जाएं या लुधियाना जाएं या होशियारपुर जाएं, तो क्या रीजन था आपका ये सब करने का। ऐसे तो रीजनल कैंपस भी ठीक है, लेकिन मेरे को था कि एक तो चंडीगढ़ मेन कैंपस में हो जाए, शुरू से हर एक बच्चे को ऐसे ही होता है कि ठीक है, चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ हो हाँ जाए, जी, यही सोच के गए थे, माइग्रेशन के बारे में सोच के गए थे, ठीक है, फिर उधर जाके देखा सारी बच्चे माइग्रेशन के लिए आए हुए हैं, अच्छा ठीक है, फिर ऐसा लगा कि हाँ नहीं, फिर मेरे को, मैंने सोच भी लिया था इधर ही हम देख लेंगे 5 साल, ठीक है, फिर उधर पढ़ा नहीं जाता था सर, मेन ये पढ़ा था, नहीं जाता था, मतलब एक माहौल नहीं बन पा। पढ़ने वाला माहौल नहीं था उधर, पढ़ने वाले बच्चे नहीं मिले। पर हरदास जी, चंडीगढ़ में भी बच्चे स्टूडेंट सेंटर ही ज्यादातर बैठे होते हैं, तो यहाँ भी माहौल तो पढ़ने वाला इतना नहीं है, फिर भी इधर से जज वगैरह निकलते हैं, निकलते हैं। जैसे है ना ठीक है, आईएएस भी बनते हैं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि कुछ बच्चे तो हैं जो यहाँ पढ़ रहे हैं, हाँ जी हाँ मतलब जी, है ना, माहौल तो है, मोल एक है, जोशी लाइब्रेरी है हमारे पास, लाइब्रेरी तो है, उधर ठीक है, बच्चों को देख के लगता है हाँ जी हमें भी कि कुछ हम भी करना कुछ है। कर रहे हाँ हैं, जी हाँ जी, ठीक है। तो हरदा जी, आपके रैंक 15 आया, सबसे पहले तो यही बताएं कि रैंक 15 जब आता है, मैं ये बोलता हूँ कि टॉप 50 रैंक लेके आना ही अपने आप में काफी बड़ी बात है। तो जब आप मेरे पास आए थे, तो मुझे आपने यही कहा था कि सर मेरे बोर्ड्स में नंबर कम है, एडमिशन हो जाएगी। तो मैंने शायद आपको यही बोला होगा कि सर कि हरदार जी एडमिशन हो जाएगी अगर मेहनत करोगे तब। तो आपने मेहनत भी बड़ी की, काफी ज्यादा मेहनत की। तो सबसे पहले यही बताएं कि रैंक 15 जब आया तो कैसा फील होता। बहुत ही अच्छा, मतलब ये मेरी कोई लाइफ की मैं कहूंगा पहली अचीवमेंट है, जो मैंने अपनी मेहनत के साथ ना 10th हो या 12th में आ जाते हैं मार्क्स सबके आ नंबर जाते हैं, इतना ठीक है, कंपटीशन नहीं मिलता, कॉम्पिटिशन नहीं ऐसे मिलता, कंपटीशन में आपका रैंक आता है तो अच्छा तो लगता ही है, अच्छा ऐसा लगता है, अपने ठीक को है, पता लगता है कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता कर हूँ। सकता हूँ। हाँ तो हरदास जी, जैसे आपके बोर्ड में नंबर कितने थे, मेरे 85 सर। 85% थे। तो आजकल बोर्ड में बच्चों के नंबर होते हैं 95, 96, है ना, 10% वैसे ही बच्चे आगे निकल जाते हैं। तो जैसे आपने एक साल ड्रॉप किया, इतना बड़ा रिस्क लिया, और प्लस टू के नंबर कम होने के बाद भी आपने इतना बड़ा रिस्क लिया, तो मतलब ये रिस्क मतलब कैसे ले लिया आपने, नहीं तो प्लस टू के बाद बच्चे इतना बड़ा रिस्क नहीं ले पाते, तो कैसे लिया। एक तो सर कोई मेरे को प्रेशर नहीं था ना, फैमिली वालों ने कहा हुआ था कि ओके आप देख लो चलो ठीक है, जैसे भी ठीक लगता है, बाकी मेरे को ये था कि हाँ मैं अगर मेहनत करूंगा तो मेरे नंबर आ सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है, तो मैं अच्छे मार्क्स लेके आ सकता हूँ पेपर में। वो मेरे को पूछ भी देता था एक कि मेरे बोर्ड में कम है तो मेरे को इधर मेहनत और करनी और करनी पड़ेगी, है, उसकी वजह से शायद मेरा रैंक 15 आया, अगर 15 मेरे आया, अच्छे नंबर होते तो मैं शायद इतनी इतनी मेहनत मेहनत ना ना करते। करता। पर हरदास जी की ना एक खास बात बता, तो ये जब आए तो मैंने कहा हरदास जी 15-20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद हम आपकी टेस्ट, मॉक टेस्ट लेना शुरू कर देंगे। आप मार्च में आए थे, है ना, मिड मार्च, मिड मार्क मिड मार्च में आए थे।
तो मैंने कहा इनके मॉक टेस्ट लेने शुरू कर देंगे। तो मैंने इनका पहला मॉक टेस्ट दिया। जब बच्चे प्लस टू के बाद मॉक टेस्ट देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो उनकी होती है नेगेटिव मार्किंग, 40 नंबर की नेगेटिव मार्किंग हो रही है, 20 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग हो रही है, तो इस तरीके से रहती है। इनका लिया मैंने, इन्होंने 50-60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो उसमें से मेरे ख्याल से 8-10 क्वेश्चन गलत थे, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन ठीक थे, सभी आंसर्स ठीक। तो ये नेगेटिव मार्किंग का मतलब कहां से आपने ये सीखा, कहां से ये चीज आपके अंदर आई? ठीक ये सर मैं पहले भी मॉक देता था, जैसे है, क्लैट की जब मैं क्लैट दिया प्रिपरेशन गया, करता था, और ये शुरू से है। मेरे को अगर लग रहा है कि हाँ मेरे को आता है, मैं तभी अटेम्प्ट करता हूँ। ठीक है, बच्चे वैसे कैसे देखते हैं तुक्का मारना, वैसा नहीं मैं वैसा करता। मतलब कि क्लैट की प्रेपरेशन भी आपके लिए काफी हाँ बेनिफिशियल रही, काफी बेनिफिशियल रही। काफी बेनिफिशियल रही। तो हरदाजी, जैसे एक वही मैं हमेशा बच्चों से पूछता आ रहा हूं कि एक मूल मंत्र बताएं कि बस बच्चे का एग्जाम क्रैक हो जाए। ये मूल मंत्र यही है कि आप रोज पूछो कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा। नहीं दे रहा, जब से आपने तैयारी शुरू करी है, ये ऐसा मत सोचो कि हाँ मैं बाद में कर लूंगा, इसके बाद हो जाएगा मेरा, तो ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, शुरू से ही आपको 100% देना है अपना, तो मतलब कि आपका फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। हाँ फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे जब ठीक है, आपने सोचा तैयारी करना, ठीक तो है। तभी अपना बेस्ट दो, आपका 100% क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि कुछ बच्चे जैसे हमारे पास भी क्रैश कोर्स में आए थे, कुछ बच्चे थे जो इंटेलिजेंट थे, जैसे कि मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, गोयल ब्रदर्स थे हमारे, दोनों भाई थे, ठीक है, तो वो बड़े इंटेलिजेंट थे, पर उन्होंने आखिरी के 4 दिन या 5 दिन बढ़े हैं। पहले वो 20-25 दिन सिर्फ उन्होंने मेरे ख्याल से ऐशी की थी, है ना? तो मतलब आप ये कह रहे हो कि फर्स्ट डे से पढ़ना जरूरी है, वही सर गलतियां रह जाती है ना, बच्चे शुरू से नहीं करते, नहीं करते, उनको लगता है कि चलो बाद में कर लेंगे, अभी तो नए नए आए हैं देखें। पर देखिए, अगर शुरू से ही आप कर लोगे साथ में, तो आपको इजी रहता है, आप ठीक कर है, लेते हो, रिवीजन हो जाती है बाद में नहीं कर पाते, बाद में, नहीं करते। क्योंकि टाइम बहुत कम होता है ना इसमें, हाँ बिल्कुल, 1 महीना तो होता 1 महीना है। होता है, क्योंकि बोर्ड के बाद बच्चा सिर्फ 1 महीने की कोचिंग ले रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हरताजी, तो एकेडमी में आप आए, तो एकेडमी का रोल क्या रहा? एकेडमी का ही रोल रहा जब आपसे सर, ये फैमिली है एक तरह की हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सब फैमिली ही हैं, और मैं, बच्चे भी मुझे फैमिली मानते हैं। हरताज जी जैसे इनका नेचर है, काफी चुपचाप रहते हैं ये, काफी कम बोलते हैं, पर इनका ये फिक्स रहता है कि रिजल्ट आएगा सबको फोन करना है ना? जैसे मैंने इनको कहा कि हरताज जी आपका रैंक 15 आ गया था, उसके बाद आपने फोन नहीं किया। कहते सर जिस दिन मेरी एडमिशन होगी पीयू में, मतलब रैंक 15 आने के बाद भी इनको कोई वो नहीं थी अंदर से कि मेरी एडमिशन कंफर्म ही हो जाएगी, इनको प्लस टू का डर था। कहते सर जब एडमिशन होगी, जब मुझे कंफर्म हो जाए, तभी मैं आपके पास आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। और फैक्ट बता, ये बड़े वाले दिन जरूर आए थे मेरे, पर उसके बाद डायरेक्ट कल आए, कल मेरे पास आए, क्यों आए? जब इनका रिजल्ट फाइनल आ चुका। तो पर ये जब भी मिलते हैं ऐसे मुझे ये ब्रदर ही मानते हैं, है ना? मैं भी इनको एक यंगर भाई की तरह ही मानता हूं, पर इनकी खास बात यही है कि इन्होंने पहले दिन से मेहनत की, आखिरी दिन तक मेहनत की। हाँ, मैंने इनको डेफिनेटली कहा था कि आपका टॉप 5 में रैंक आ जाएगा, बस ये थोड़ी बहुत 4-5 क्वेश्चन की गलतियां कर रहा है, सिली मिस्टेक कर रहा है, तो उन सिली मिस्टेक्स को कैसे रोका जाए? सर की बात सुनी जाए अच्छा, तो आप कभी नहीं करोगे, अपना जो सर कहते हैं उसके हिसाब से चलना चाहिए। मैंने काफी एक दो जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन लिए थे, क्योंकि मेरे से हो नहीं रहे थे उस टाइम याद पर। नहीं हाँ जी हुए, हाँ जी, वो अगर पहले से कर लेते जी स्टूडेंट्स के 5 क्वेश्चन, तो तो आपके अपने टॉप 5 में याद आ, 3-4 क्वेश्चन मेरे को नहीं तीन आते। चार क्वेश्चन वो नहीं करके आया। ठीक है, बाकी ये जो हमने किया था क्लास में, क्या वो आया पेपर में या नहीं आया? वही है सर, मोस्टली वही आ रहा है उसका, मतलब जो हमने कवर करा था ज्यादातर वही आया वही पेपर में। उसमें पेपर में देखने को मिला। ठीक है, तो मतलब कि कोचिंग का कहीं ना कहीं शायद नहीं नहीं सर, रहता है। कोचिंग का काफी, क्योंकि आपको पुश मिलता है, सर बताते हैं कैसे थे, आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है। डायरेक्शन मिल जाती है, मतलब टाइम कम हाँ वेस्ट होता है, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो ज्यादा, आप ज्यादा क्योंकि करते हो। पढ़ना सारा कुछ नहीं होता, क्या नहीं पढ़ना नहीं है वो भी बिल्कुल मैटर करता नहीं है, मैटर, हम क्या पढ़ते हैं क्या नहीं। जैसे आपने मेरे को प्रीवियस ईयर्स कराए, बिल्कुल। वो चीजें काफी मेरे को हेल्प भी हाँ करी उन्होंने। हरताज जी, प्रीवियस प्रीवियस ईयर का बच्चों को बताएं कि कितना रोल रहता ईयर से डेफिनेटली 7-8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल आएंगे। जाते हैं। बच्चे नहीं करके जाते प्रीवियस ईयर, उनको लगता है कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर करने का बेनिफिट है?
हाँ जी सर, बहुत ज्यादा बेनिफिट है क्योंकि उसको आप हेल्प भी मिल जाएगी, आपको सात आठ क्वेश्चन तो आएंगे ही, साथ में आपको हेल्प भी मिल जाएगी, कि आपको पेपर पता कैसा लग निकला। जाएगा कैसा पेपर आता है, तो कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपको वो सब देखने को मिल जाता है। तो हरदास जी एक चीज और, लास्ट क्वेश्चन, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो बच्चों को आप तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए पंजाब यूनिवर्सिटी में, जैसे कंपटीशन बढ़ता जाए। पहले करो जाती थी 120 145, फिर जाने लगी 138, आप जाने लगी 145, लास्ट के 142 गई थी, आप जाने लगी है 150 के पार। जी मतलब कि मैं 200 में से बता रहा हूँ, एंट्रेंस और प्लस के दोनों नंबर को ऐड करके 200 में से बता रहा हूँ, तो आप 150 प्लस जाने लगी है, तो आप नेक्स्ट ईयर तो मेरे ख्याल से 160 प्लस जाने जाना शुरू कर देगी। तो बच्चों को बताएं कि कोचिंग 2 महीने के लिए सफिशियंट है या साल के लिए सफिशियंट है, कब से शुरू करें बच्चे, राइट टाइम क्या है? कम से कम 3 महीने की तो तीन मेरे को महीने की लगता करो, है। हाँ जी, वैसे करने वाले बच्चे 1 महीने में भी 1 महीने में भी हो कर जाता है। लेते हाँ जी, हैं, क्योंकि वैसे असली कोचिंग है जो वो आपकी 1 महीने 1 महीने की ही ही रहती रहेगी, है, क्योंकि पहले बोर्ड्स वगैरह आते हैं तो उनके नंबर भी जुटते हैं, जुड़ते तो हैं, वो वो भी भी तैयारी करनी जरूरी पड़ती है, है। वो जी भी जरूरी जी है, बिल्कुल ठीक है। तो हरदास जी जाते जाते फिर से एक बार एक मूल मंत्र और बता दें बच्चों को, कि बस जिससे बच्चों का एग्जाम क्रैक हो जाए और बच्चों को मोटिवेशन मिल जाए। यही एक सर मूल मंत्र जो सर कहते हैं, अपना रोज का रोज उतना काम करो, अपना बेस्ट दो, रोज पढ़ो, पढ़ाई के बिना तो नहीं हो नहीं पाएगा होगा, आपका, कभी भी नहीं हो पाएगा, तो सारा कवर करके अपना जाओ अच्छे से तो हो जाएगा। थैंक यू सो मच हरदास जी, आपने टाइम निकाला हमारे पास आए, ठीक है, क्योंकि बच्चे जब एंट्रेंस क्रैक कर लेते हैं उसके बाद मिलने मुश्किल हो जाते हैं, है ना। नहीं तो हरदास जी हमारे पास आए तो हमें बड़ी खुशी हुई। तो हरदास जी मैं आपको बुलाता रहूंगा, जो आपके जूनियर्स होंगे तो उनको भी आप मोटिवेट करते रहना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू हरदास जी, थैंक यू सो मच।